नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे ही दिसंबर का महीना समाप्त होने वाला होता है और जनवरी का महीना आने वाला होता है, हम सभी को ये लगता है या हम सभी लोग इस बात को जानने का उत्सुक होते हैं, जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि हमारा आने वाला जो साल है, हमारा आने वाला जो वर्ष है, वो हमारे लिए कैसा रहेगा। खुशियाँ लेकर आएगा या कुछ परेशानियाँ लेकर आएगा। अगर खुशियाँ लेकर आने वाला है तो कौन कौन सी खुशियाँ, या कब कब वो ऐसा समय होगा जब हमको कुछ अच्छी खबर मिलने वाली है, कौन सा ऐसा ख़राब समय होगा जिसको हमें अच्छे से उसको बिताना है, इन सभी चीज़ों की जानने की हमारी लालसा होती है, हमारी इच्छा होती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं एक वीडियो की श्रृंखला आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जिसमें टोटल मैं 12 वीडियो आपको देने वाला हूँ। उस 12 वीडियो में आपको 12 राशियों के बारे में पूरा संपूर्ण हाल जो है, यानी साल भर आपका कैसा बीतेगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी जानना चाहते कि आपका साल कैसा रहेगा, तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये 12 वीडियो की श्रृंखला है। इस वीडियो में, यानी जो आज का वीडियो है, इसमें मैं केवल एक ही राशि के बारे में बताऊँगा। आगे आने वाले मेरे जो वीडियो होंगे, उसमें बाकी राशियों के बारे में आपको बताऊँगा। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी वीडियो की श्रृंखला चल रही है, और अभी तक मैंने 3 वीडियो बना चुका हूँ। उन तीनों वीडियो में मैंने मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में आपको बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, मैं आज अब बात करने वाला हूँ कर्क राशि की। तो ऐसे लोग जिनकी राशि कर्क हैं, उनका ये वर्ष अपने कड़े परिश्रम तथा अपनी अभिरुचि के कार्य के प्रति तीव्र लगाव के कारण अपने क्षेत्र में विशेष स्थान बना लेंगे। उद्योग धंधे, नौकरी, व्यवसाय आदि के सिलसिले में दूर दराज की यात्राएं सफल होंगी। सहायक, व्यापार, पार्ट टाइम आदि के कार्य में जून से नवंबर तक के मध्य विशेष सफलता आपको मिल सकती है। स्थायी संपत्ति से लाभ होगा, यानी अगर आपके पास कोई स्थायी संपत्ति है तो उससे जरूर लाभ होगा। हो सकता है उसके क्रय विक्रय में आपको लाभ हो जाए। पुरानी लेनदारी आदि मिलने के साथ साथ वर्ष के पूर्वार्ध में कुछ कठिनाइयां भी आ सकती हैं। हो सकता है आपका कहीं पैसा फंसा हुआ हो तो वो भी इस साल आपको मिलने की संभावना है। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि वर्ष का जो पूर्वार्ध रहेगा उसमें थोड़ी बहुत परेशानी, यानी वर्ष के जो शुरू के महीने हैं उसमें आपको परेशानी आ सकती है, जिन्हें किसी प्रभावी व्यक्ति के सहयोग से आप सुलझाने में मदद मिलेगी। और अगर इन परेशानियों से आपको निपटना है तो किसी अच्छे इंसान से आपको सलाह जरूर लेनी चाहिए। यदि आपका विवाह किन्हीं कारणों से अब तक रुका हुआ, यानी कि आप एक विवाह के योग्य व्यक्ति हैं, तो आपका विवाह किन्हीं कारणों से अगर रुका हुआ है तो इस वर्ष शुभ समाचार मिल सकता है, यानी कि आपका विवाह इस साल हो सकता है। आपका पारिवारिक वातावरण इस वर्ष अच्छा बने रहेगा। अगर घर में किसी प्रकार की कोई कलह इस साल नहीं होगी और आपका जो वातावरण है, घर का वातावरण है, वो अच्छा रहेगा। ये वर्ष आपको पारिवारिक तनाव, स्थान परिवर्तन तथा कुछ अलगाववाद दे सकता है, यानी कि पूरे साल तो एक जैसा नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, कुछ समय ऐसा आएगा जब जरूर आपके परिवार में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी। हो सकता है स्थान परिवर्तन हो जाए, कुछ किसी से विवाद हो जाए, इसी प्रकार की घटनाएँ आपके साथ हो सकती है। यदि परिवार नौकरी के कारण अलग अलग बटा है तो वर्ष के उत्तरार्ध में एक ही स्थान पर रहने का सुयोग बन सकता है। यानी हो सकता है कि आपकी आप हैं कहीं और काम कर रहे हैं, आपकी मिसेस कहीं और काम कर रही है, यानी इस प्रकार से घर बटा हुआ है, तो इस साल ऐसी स्थिति आएगी जब दोनों ही एक जगह आकर काम करेंगे, यानी दोनों की नौकरी एक ही स्थान पर हो जाएगी। परिवार में मांगलिक कार्य के संयोग बन रहे हैं, यानी हो सकता है आपके घर में किसी प्रकार की कोई शादी विवाह का योग बने। संतान पक्ष की विशेष उन्नति होगी। अगर आप एक शादीशुदा इंसान हैं तो आपके घर संतान होने की प्रबल संभावना है। साथ ही अगर आपकी संतान ऑलरेडी है तो उनको कुछ अच्छी उन्नति उनकी हो सकती है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना कि आपको जो पेट की समस्या है और बीपी की जो समस्या बीच बीच में आपको परेशान कर सकती है, किंतु आपकी कार्यक्षमता पर कोई असर उसका नहीं पड़ेगा, है ना। यानी कि जो आप कार्य कर रहे हैं उससे उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। फरवरी, मार्च और वर्ष के उत्तरार्ध में, शुरू में और आखिरी में आपको चोट या घात लगने की संभावना हो सकती है, तो इससे आपको बच के रहना है। इस वर्ष रुके हुए तबादले का योग है। अगर बहुत दिनों से आप कोई ट्रांसफ़र चाह रहे हैं और वो नहीं हुआ है, तो इस साल उसके होने की पूरी संभावना बन रही है। प्रशासनिक नौकरी या प्रतियोगी परीक्षा अगर आप पास करना चाहते हैं तो इसमें सफलता आपको मिलेगी, लेकिन साथ में मेहनत भी करनी पड़ेगी। और इन सभी चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं या परेशानियों से बचना चाहते हैं तो आपको इस साल शिव जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश, मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।